नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम एनएससी बोलते हैं। एनएससी के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या गारंटी है कि आपको पैसा आपका वापस मिलेगा ही मिलेगा? साथ में अगर एनएससी को आपको टाइम से पहले क्लोज करना है तो आप कैसे क्लोज कर सकते हैं? अगर आप कंफ्यूज हैं एनएससी और फिक्स डिपोजिट के बीच में, तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है? एनएससी पर आप लोन कैसे ले सकते हो? इसका टैक्सेशन क्या है? तो सारे सवाल जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जुड़े हैं, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे कि नाम ही बताता है, तो ये एक तरह की सेविंग स्कीम है जो कि 5 साल के लिए होती है। तो 5 साल तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको आपके पैसे पे मिलता है 5 साल के बाद। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो भी कंप्लीटली सिक्योर रहता है, सेफ है, और जो आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट मिलना होता है वो भी बिल्कुल सेफ है। क्योंकि तो एनएससी जो है उसके साथ सोवरेन गारंटी जुड़ी है, सरकारी गारंटी जुड़ी है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। कौन एनएससी में इन्वेस्ट कर सकता है? एक सिंगल पर्सन या ज्वाइंट अकाउंट जिसमें कि मैक्सिमम 3 एडल्ट्स तक हो सकते हैं। माइनर के बिहाफ पे भी कोई गार्जियन एनएससी में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एनएससी में एचयूएफ, एनआरआईज एंड ट्रस्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ डिपॉजिट अमाउंट की। मतलब आप 1,000 रुपए से शुरुआत करके एनएससी खरीद सकते हो और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी एनएससी खरीद सकते हो। अब मैं बात करती हूँ मेच्योरिटी की और इंटरेस्ट रेट की। तो एनएससी जो है वो 5 साल पूरे होने के बाद मेच्योर हो जाती है और वो पैसा इन्वेस्टर को दे दिया जाता है जो इन्वेस्ट करता है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इसका इंटरेस्ट रेट इस टाइम जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की है 6.8% है। सारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स हर 3 महीने में चेंज होते हैं। ये नए इंटरेस्ट रेट्स टाइमली पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ से रेड कलर का सब्सक्राइब क्लिक करें, उसके बाद ये बेल आइकन है उस पर क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है ताकि ये सारे इंटरेस्ट रेट्स आप तक हर 3 महीने में पहुंच सके। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एनुअली कंपाउंड होता है, और जब एक बार आप एनएससी खरीद लेते हैं तो उसके बाद पूरे 5 साल के लिए वो इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी बार एनएससी खरीदने जाते हैं तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा। ये मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप एनएससी को प्लेज करके, या मैं कहूँ कि इसको एज अ सिक्योरिटी यूज करके आप बैंक से भी लोन ले सकते हो। कहाँ कहाँ इसको प्लेस कर सकते हो इसमें मैंने पूरी लिस्ट दी है। अब बात करती हूँ टैक्सेशन की। एनएससी पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो साथ में जो इंटरेस्ट होता है एनएससी के 5 सालों का, वो सब मिला के आपको 5 साल पूरा होने के बाद दे दिया जाता है। एनएससी का टोटल जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है। इसमें जो पहले 4 साल आप एनएससी का इंटरेस्ट कमाते हैं जो कि री इन्वेस्ट होता है, आपके पास नहीं आता है, एक तरफ आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है, दूसरी तरफ उसी आईटीआर में आपने एटीसी की टैक्स डिडक्शन में दिखाना है। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि पहले जो 4 साल का इंटरेस्ट है वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। तो जब आप एनएससी लेते हैं तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है एटीसी की टैक्स डिडक्शन आप उस पर क्लेम करते हो, साथ में जो 4 साल का इंटरेस्ट है उस पर भी आप एटीसी की टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन जो 5th ईयर का इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, क्योंकि वो दोबारा से इन्वेस्ट भी नहीं होता है। 5 साल पूरा होने के बाद वो सब अमाउंट कस्टमर को दिया जाता है। 5th ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में एड होगा जब भी आप उस साल आईटीआर फाइल करेंगे। जो भी एनएससी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उनके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 ही रीजन होते हैं एनएससी खरीदने के लिए, एक तो जो इसका इंटरेस्ट रेट है जनरली और स्कीम से या फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा बेटर ही रहता है, और ये सरकारी स्कीम है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ आती है। जो सेकेंड है वो है एटीसी की टैक्स डिडक्शन। एनएससी को आप 5 साल पूरे होने से पहले कुछ ही सर्कमस्टांसेस में, जिनको मैं बोल सकती हूँ कि एक्सेप्शनल केसेस में ही आप इस पैसे को निकाल पाओगे 5 साल पूरा होने से पहले। ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये क्या है? फर्स्ट, अगर एक सिंगल अकाउंट होल्डर के नाम पे एनएससी है और उसकी डेथ हो जाती है तो ये 5 साल से पहले पैसा निकल जाएगा। अगर ज्वाइंट होल्डर्स हैं और दोनों की डेथ हो जाती है तो भी एनएससी का पैसा 5 साल से पहले निकाला जा सकता है। थर्ड जो है, अगर आपने इसको एज अ सिक्योरिटी यूज करके लोन लिया है इसके अगेंस्ट, तो भी जहां से आपने लोन लिया है वो भी इसको फॉरफिट कर सकते हैं अगर आप उनका लोन रिपे नहीं करते हैं। एंड फोर्थ जो है, अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो भी एनएससी को 5 साल से पहले निकाला जा सकता है।
ऐसे कौन सी सरकमस्टांसिस हैं जहां पे एक पर्सन जिसके पास एनएससी है वो अपनी एनएससी को दूसरे के नाम पे भी ट्रांसफर कर सके? ये अगर जो अकाउंट होल्डर है जिसने एनएससी खरीदी हुई है उसकी डेथ हो जाती है तो वही एनएससी नॉमिनी या लीगल आयर के नाम पे भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है और उनमें से एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ज्वाइंट होल्डर जो है उसको भी एनएससी कंप्लीटली ट्रांसफर हो सकती है। और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो भी ये ट्रांसफर की जा सकती है, या फिर अगर आपने एनएससी को प्लेस किया है तो इस केस में भी ये ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की स्कीम चाहिए जो कि सरकारी स्कीम है, आपको एक गारंटेड इंटरेस्ट रेट देगी ही देगी और 5 साल तक आपको अपने पैसे की जरूरत नहीं है, साथ में आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी देखते हैं जहां पे आपको एटीसी की टैक्स डिडक्शन भी मिल सके 5 साल की इन्वेस्टमेंट पे, तो आपके लिए एनएससी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। लेकिन हमेशा एनएससी के इंटरेस्ट रेट को आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट से भी कंपेयर करें, तब आप डिसाइड करें। तो ये थी मेरी वीडियो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, एंड आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो में दे दी है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पैसे से जुड़ी हुई ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।